लौकी उबाल दिया है और ये मसाले हैं अदरक लहसुन मिर्च प्याज और टमाटर। टमाटर के जो है इसके इसके जो बीज हैं इसको डिसीड करने हैं, हमें बीज को निकाल देना है। इस तरीके से इसके बीज निकाल देने हैं। इसके ये जो व्हाइट पार्ट है इस तरह से काट के इसको निकाल देना है। ये बीज बाद में स्टोन करें, इससे अच्छे वही निकाल के ही खाओ। सारा निकाल देती हूँ पहले। अब प्याज को मैं 4 टुकड़ों में काट ले रहे हैं क्योंकि इसको मैं मोटा मोटा काट लूँगी अभी। और लौकी को मैंने काट के छील के इसको उबाल दिया है कम पानी में। जितना कम पानी डालेंगे लौकी में उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि लौकी पानी खुद छोड़ता है। और ताज़ी लौकी जहाँ तक हो सके कोशिश करिएगा, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब आइए इसको चॉप कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये अदरक लहसुन खूब सारा डाल रही हूँ। ये मिर्च आप अपने हिसाब से तीखा कितना खाना चाहते हो वैसे डालिए। पहले इसको मोटा मोटा काट लेते हैं। इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। थोड़ा सा प्याज ज्यादा पहले काट ले। इतना बारीक काट लिया ना, इसको इतना जो बचा प्याज ये भी काट लेते हैं बारीक। ये भी बारीक कट गया, इसको भी निकाल लिया। अब टमाटर की बारी है, इसको भी इसी तरह से बारीक काट लेते हैं। इस तरीके से ये भी बारीक हो गया है, देखिए ये हो गया तैयार। टमाटर अदरक लहसुन मिर्च प्याज और उबाल के बॉइल्ड लौकी। आइए अब भरता बना लेते हैं लौकी का। हम लोग बनाने चल रहे हैं लौकी का भरता। लौकी चोखा भी कर सकते हैं लौकी का भरता। तो सबसे पहले घी डालेंगे अपन करीब 4 चम्मच। उसके बाद इसमें डालेंगे जीरा। लौकी की सब्जी हो बनाओ या फिर अभी भुर्ता बना रहे हैं तो अच्छा तो लगता है घी में ही। आपकी इच्छा हो तो तेल में बना सकते हैं। थोड़ा हींग इसे चिटक जाने देते हैं। इसके बाद इसमें डाल देते हैं ये प्याज अदरक लहसुन मिर्च जो हमने काटी है, इसको इसमें डाल देते हैं। खूब भून के ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल। अभी थोड़ा और लाल हो जाए प्याज तब डालेंगे। तो मसाले डाल देते हैं। ये हल्दी 1 चम्मच, धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च इच्छा अनुसार और बहुत जरा सा अमचूर और नमक, क्योंकि मैंने लौकी उबाला है तभी मैंने नमक नहीं डाला था। इसको जो है तो
मसाला हल्का सा पक जाए इसके बाद डाल देंगे टमाटर। टमाटर को डाल देते हैं। फिर टमाटर को भून लेंगे एकदम पक जाए, जब तक एकदम ऑयल छोड़ दे अलग हो जाए तब तक इसको भूनेंगे खूब अच्छे से। इसको भून लेते हैं। और डाल दे रहे हैं अपन ये लौकी जो हमने उबाल के रखी है, इसको भुनेंगे। पहले इसको गर्म होने दें, पहले इसके साथ में खूब अब इसे हम मैश करेंगे एकदम भुरता जैसा, इसको मैश करेंगे। इसको चाहे इससे मैश कर लीजिए या पहले ही मैश करके ही डालिए, दोनों बातें हैं। खूब महीन कर लीजिए, जितना महीन कर सकिए इतना महीन इसको हमें कर लेना है। तो अब इसकी बारी है भुनने की। खूब महीन करने के बाद में इसको खूब देर तक भुनेंगे। अब इसको पकने देते हैं थोड़ी देर, और थोड़ी देर के लिए और ढकेंगे इसको। इसको एकदम लो मीडियम फ्लेम पे, इसको लो फ्लेम पे ही रखिए और इसको छोड़ दीजिए कम से कम 5 मिनट के लिए। तो आइए देख लेते हैं क्या हाल चाल है। देखिए एकदम ऑयल अलग हो गया है, एकदम किनारे किनारे ऑयल अलग हो गया है। खूब भून दिया है मैंने, ढक्कन हटा के मैंने 3 से 4 बार इसको चलाया है, खूब भुना है थोड़ी देर तक। कितनी देर तक चलाया है ये देखिए, एकदम ऑयल अलग बढ़िया बन गया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी धनिया पत्ती और जरा सा गरम मसाला डालेंगे। मैंने 1 चुटकी गरम मसाला डाल दे रही हूँ, ये देखिए ये डाल दिया और इसको थोड़ी देर चला देते हैं। खूब अच्छी आने लग गई, घर का पिसा गरम मसाला है। तो हम डाल देते हैं धनिया पत्ती, बस आइए सर्व कर लेते हैं। गैस को बंद करते हैं, आइए सर्व कर लेते हैं। बढ़िया, कैसी लगी आज की रेसिपी आप सभी को जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज सीमास किचन एंड लाइफस्टाइल। और अब इस भुरते को कोई कोई लौकी का कीमा भी बोलते हैं, तो आप लोग ट्राई जरूर करिएगा और अपने कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।